गुजरात के द्वारका में एक साथ 37,000 अहिर महिलाओं ने महारास रचाया। महिलाओं के महारास रचाने से 5,000 वर्ष पुरानी प्रभु श्री कृष्ण कला की परंपरा पुनर्जीवित हो गई। इस कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक अहिर समुदाय के लोग शामिल हुए। यह आयोजन 24 दिसंबर को किया गया। इस आयोजन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से अहिर समाज की महिलाएं शामिल हुई। अहिर महिलाओं ने इस दौरान पारंपरिक लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। मान्यता है कि कच्छ के ब्रजवानी गांव में एक ढोली ने जब ढोल बजाना शुरू किया, तब अहिर समाज की 140 महिलाएं अपने कार्य को अधूरा छोड़कर महारास खेलने चली गई। लोक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने यह ढोल बजाया था और सभी महिलाएं कृष्ण के साथ महारास रचाने गई थी। ढोल बजता रहा, महिलाएं महारास खेलती गई और खेलते खेलते उन सभी महिलाओं की मृत्यु हो गई। और आज भी उस जगह पर सभी 140 महिलाओं की समाधि आज भी वहां देखी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि ढोल बजता रहा और वह ढोल भगवान श्री कृष्ण स्वयं बजा रहे थे और सभी 140 महिलाएं उनके साथ महारास खेल रही थी। ढोल बजता रहा, महिलाएं महारास खेलती रहीं और वो तब तक महारास खेलती रहीं जब तक उनके प्राण निकल न गए हों। इसी महारास का भव्य आयोजन गुजरात के द्वारिका में 24 दिसंबर को किया गया, जिसमें एक साथ 37,000 अहिरानियों ने भाग लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। और इस महारास का आयोजन एक गोल चक्र में किया गया, जो बीच में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाई गई और एक साथ 37,000 अहिर महिलाओं ने गोल चक्र में महारास को रचाया। यह महारास का आयोजन नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए किया गया। 5,000 वर्ष पुरानी परंपरा को जागृत करने के लिए महारास का भव्य आयोजन किया गया और साथ ही साथ नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए इसका भव्य आयोजन किया गया। महारास कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी 37,000 महिलाओं को भगवत गीता पुस्तक उपहार में दिए गए।